हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की इस वीडियो सीरीज़ में, वीडियो नंबर 2 में, हम आपको बेसिकली बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। मतलब कंप्यूटर किस चीज़ को कहते हैं, जैसे मोबाइल क्या होता है आप सब जानते हैं। वैसे तो मैं ये मानने को ही तैयार नहीं हूँ, मेरे को, मैं फिर बोल रहा हूँ इस बात को कि ये वीडियो बनाते वक्त मेरे दिमाग में पूरा ये लग रहा है मुझे कि क्या जरूरत है यार, सबको पता है। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को कह सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे जिस स्क्रीन पर सब कुछ दिखता है उसको बोलते हैं मॉनिटर। ये एक टेलीविजन की तरह से हो गया, ठीक है ना। एक होता है CPU, इसके अंदर ना हार्ड डिस्क लगी होती है ना, मदरबोर्ड होता है, धीरे धीरे आप समझेंगे, DVD राइटर होता है, पेन ड्राइव्स वगैरह लगाने की ऑप्शन रहती हैं, ऑन ऑफ फैन रहता है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक ये बॉक्स सा बनाया जाता है और इसको बोलते हैं CPU। CPU से मतलब होता है बेसिकली द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं क्योंकि बेसिकली यही तो है देखा जाए तो। बाकी तो मॉनिटर तो सिर्फ वो कर रहा है जो आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भी रिपोर्ट है वो डिस्प्ले करेगा मॉनिटर, या अगर आपने कोई फिल्म चलाई है तो वो फिल्म दिखेगी। बट बेसिकली एक तरह से जो सारी वर्किंग है वो CPU में होती है ना। बाकी आप शायद जानते ही होंगे इसको कीबोर्ड बोलते हैं, है ना, और इसको माउस बोलते हैं। ये आजकल माउस भी एक इनपुट डिवाइस, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है, और इसका इस्तेमाल होता है एक क्विक इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। थोड़ा सा माउस के बारे में भी बाद में भी आएगा। फिर ये साथ में एक प्रिंटर यूजली सभी कंप्यूटर्स में लगा रहता है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको प्रिंट करना हो तो वह आप प्रिंटर के हेल्प से कर सकते हैं। यूजली सभी अच्छे कंप्यूटर्स में जो है ये स्पीकर्स भी लगे रहते हैं। वैसे वो बात अलग है कि अगर आप हमारी जैसे वीडियो क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो या तो आपको ये मेरी आवाज़ स्पीकर से सुन रही होगी या हेडफोन से, अभी मैं उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। तो या आपको अगर कुछ बोलकर इनपुट देना है तो आप स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। तो हेडफोन वैसे बेटर रहता है क्योंकि उसमें क्या रहता है, दोनों चीज़ें जुड़ी जाती हैं, स्पीकर और ये स्पीकर। ये दूसरा वाला स्पीकर हो गया आपका बोलने वाला, और ये स्पीकर हो गया आवाज़ को आउटपुट की फॉर्म में देने वाला। तो अलग अलग जो है चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर आपके घर में कोई पर्सनल कंप्यूटर है, PC है, तो आपको एक UPS भी लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब लाइट जाती है तो अचानक वो कंप्यूटर आपका बंद हो सकता है। और कई बार होता है कि हम अपना कोई भी जो काम कर रहे होते हैं उसको हमने अगर सेव नहीं किया तो वो उड़ जाता है और बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। यहाँ पर मैं ये भी एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि जो भी आप काम करें उसको टाइम एंड अगेन सेव करते रहें, है ना। सेव का बटन हर प्रोग्राम में रहता है, नहीं तो आमतौर पर Ctrl+S। धीरे धीरे जब आप कंप्यूटर सीखेंगे तो समझ लेंगे इन बातों को। Ctrl+S की कमांड से आप सेविंग करते रह सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास UPS लगा हुआ है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कि लाइट जाने पर भी आपका कंप्यूटर कुछ देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ UPS चलता रहेगा, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर भी लेकिन अल्टीमेटली लाइट जाने के बाद कई बार बंद तो करना ही पड़ जाता है। देन PC का एक ऑल्टरनेटिव आ गया है आज की तारीख में, लैपटॉप। ये बहुत बढ़िया होता है, इसमें वेबकैम भी जुड़ा रहता है, इसमें जो CD प्लेयर है, DVD प्लेयर है, वो भी जुड़ा रहता है। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये नीचे की तरफ आपका एक तरह से कीबोर्ड आ गया। यहाँ पर ना आपको एक माउस पैड भी मिलता है, एक तरह से टच पैड होता है, ये माउस की तरह से बिहेव करता है, है ना। Wi-Fi भी इसमें ऑटोमेटिकली चलता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो कुल मिला के एक लैपटॉप को यूज़ करना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आज से कुछ साल पहले मैं PC यूज़ करता था, फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटर यू स्विच टू अ लैपटॉप। तो मैंने लैपटॉप यूज़ करना शुरू किया। शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था कि लैपटॉप पे कैसे काम हो पाएगा इतना बड़ा PC एक छोटा से लैपटॉप से, लेकिन अभी मैं लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम फीलिंग क्वाइट मोर कम्फर्टेबल। एक बार अपने बैटरी अगर उसकी चार्ज कर दी तो काफ़ी समय तक वो चलता रहता है, और अगर जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो आप चार्जिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के लैपटॉप जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, फिर उसको आप उठा के कहीं भी ले जा भी सकते हो। सो मैनी थिंग्स, कुल मिला के ये भी एक बेनिफिशियल वर्जन है PC का, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जैसे आप स्पेशली हमारी वीडियो क्लासेस के लिए अगर अभी तक आपने नहीं भी लिया तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हेडफोन विद माइक लें। इससे क्या रहता है कि अगर आप कुछ इनपुट हमें बोल के देना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली बोल पाएंगे इसमें, है ना। बोलने के लिए आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, और बाकी सुनने के लिए तो ये हेडफोन इस तरह से रहता ही है। तो ये ऑलवेज़ बेटर रहेगा, इससे आप इजीली बात को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, और इससे फिर एक्सटर्नल नॉइज़ भी जो है वो कट हो जाता है, है ना। तो जब आप हेडफोन विद माइक से अगर स्टडी कर रहे हैं या कोई भी चीज़, कल को आप स्काइप पे बात करना सीखेंगे, शायद आपने नाम सुना होगा स्काइप का, वीडियो चैटिंग के लिए, वीडियो कम्युनिकेशंस के लिए,
वीडियो कॉल के साथ जो है वो स्काइप वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं लैपटॉप में यूज़ करने के लिए बहुत यूज़फुल हैं, तो उन सब में भी ये हेडफोन विद माइक जो है वो बेटर रहेगा ताकि आप इजीली बात को दूसरे की सुन पाएँ और अपनी बात जो है वो शार्पली बोल पाएँ ताकि वो दूसरा बंदा भी उसको सुन ले, है ना। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको एक DVD का भी जो है वो आइडिया देना चाहता हूँ कि ये एक DVD है, जैसे हो सकता है कि आपको जो कंटेंट है हमारा कोर्स का वो DVD की फॉर्मेट में दिया गया हो। आमतौर पर 4 GB की एक DVD रहती है, है ना। तो आमतौर पर जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो करीब 10-12 MB के हैं, अब आप ये समझिए, और 1012 MB से 1 GB बनती है, 1024 या ऐसा कुछ है, तो करीब ये समझ लीजिए कि 4000 से ज़्यादा MB की एक DVD रहती है। पहले ज़माने में CD हुआ करती थी जो कि करीब 600 से 700 MB की होती थी, तो अभी आजकल DVD जो है चलती है। वो बात अलग है, DVD तो जो है वो 8 GB की भी बड़ी कॉमनली आती है और शायद इससे बड़ी भी आती हो, मैंने रिसर्च नहीं किया। तो ये है DVD, द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या कॉमनली नोन एज डिजिटल वीडियो डिस्क। फुल फॉर्म आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज DVD द शॉर्ट फॉर्म इज़ आल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड। ठीक है, तो चलिए और इसके आगे फर्दर सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।